अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा पिछले 8 अगस्त से लगातार आज 44 दिन पूरे हो रहे हैं। हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं और हमारे पूरे देश में 8 राज्यों में हमारे लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, और आज 4,000 से ज़्यादा लोग बैठे हैं। हम लोग जो मांग कर रहे हैं, SCP प्लान का जितना पैसा आता, बजट एक विशेष व्यवस्था होती है संविधानिक, उसमें जिसका सरकार को लागू करना चाहिए, उसका आज दिन तक किसी भी राज्य सरकारों ने उसका कुछ भी परसेंटेज नहीं लागू किया। तो उसके लिए हम चाहते एक मॉनिटरिंग कमेटी बनती और वो लागू करता। दूसरा, पदोन्नत बिल का हमारा मुद्दा था कि जो लोकसभा में पदोन्नत बिल पास करना उसको लेकर के। तीसरा हमारा मुद्दा था कि जितने गवर्नमेंट टेंडर उसमें SC ST OBC की आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जो चौथा मुद्दा हमारा था कि OBC जो देश में 60% से ऊपर है उसे 27% के रिजर्वेशन पर क्यों सिमटा गया, उसकी आबादी के अनुपात में उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है, जब उसकी जितनी आबादी उस अनुपात में दिया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ राज्यों में ऑलरेडी इस व्यवस्था को लागू किया गया। तो इस तरह के संविधानिक मुद्दों को लेकर के हम लोग राजस्थान में नागौर जिले में डिडवाना तहसील पे बैठे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पे, और हमारे भारत में कम से कम कई राज्यों में हमारे लोग बैठे हैं। तो इस तरह से हम सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ना केंद्र सरकार की तरफ से ना ही राज्य सरकार की तरफ से इन 44 दिनों में किसी ने पूछा, ना ही किसी ने समझने की कोशिश करी। सरकार पूरी तरह गूंगी बहरी बनी है। हमारे कई साथी, सैकड़ों से ज़्यादा हमारे साथी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। क्या कारण है? विपक्ष कांग्रेस हमेशा SC ST के साथ में बोलती रही है कि हम SC ST का ना आगे आते हैं, हर मामले में उनका सहयोग करते हैं, लेकिन विपक्ष भी अब आपके साथ में क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण रहा? विपक्ष भी अपनी राजनीति के चक्कर में नहीं आ रहा है, क्योंकि सचिन पायलट इसी डिडवाना में गए हैं रैली करके, यहीं पे और भी BJP की भी नेता बड़े बड़े रैली करके गए हैं, लेकिन विपक्ष का कहना ये है कि अगर हम SC की बातें मान लेंगे तो जनरल वोट हमसे चला जाएगा। और क्योंकि SC ST का एक्ट के पास होने के बाद विपक्ष अपने आप को मजबूर कटघरे में खड़ा समझ रहा है, तो विपक्ष की भी कुछ मजबूरियाँ होंगी, इसी वजह से नहीं आया। लेकिन जनता जनार्दन है, SC ST OBC के लोग हैं, वो सबक सिखाएंगे ना आने वाले चुनाव में। आफ्टर 44 डेज बाद कल कम से कम हमारे पूरे देश में जो लोग बैठे हैं उनके हालात बिगड़ रहे हैं। तो ऐसे में हमने कल अपने SC ST OBC समाज की एक बड़ी सभा बुलाई है, जिसमें से कई पूर्व जो लोग विधायक रहे, निर्दलीय रहे हैं या जिस तरह से भी रहे हैं, कोई पार्टी के लोगों को नहीं बुलाया गया है, SC ST OBC समाज को बुलाया गया। कल समाज निर्णय लेगा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही तो सरकार समाज को आगे इसको क्या करना है, किस तरह से, तो कल रणनीति बनाई जाएगी। इसलिए पूरे SC ST OBC समाज को बुलाया गया है। शुभ नाम? मेरा नाम विद्या गौतम है, हमारा संगठन है अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, जो कि एक व्यक्ति विशेष के लिए लड़ाई नहीं है, कोई स्पेशल जाति के लिए लड़ाई नहीं है, ये सभी युवा वर्ग के लिए, और मतलब कि जो संवैधानिक ढांचा है उसके अंदर बाबा साहब ने जो संविधान के अंदर समानता का व्यवस्था दी थी, जिसके अंदर इन लोगों ने मतलब कि बहुत ही बड़ा अंतर डाल रखा है, जो कि हम लोग SC ST OBC और अन्य वर्ग भी साथ में मिलके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इसके अंदर मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहूँगा कि अपने हाल फिलहाल भारत के अंदर 3,500 IAS है, जिसमें से 350 IAS एक ही तबके, एक ही वर्ग के हैं, वो अपर वर्ग अपने आप को मानते हैं। वो कौन सा वर्ग है जिसके अंदर SC ST OBC का कोई भी प्रतिनिधित्व उसमें नहीं है? 23 में से 350 में से 2,950 IAS अधिकारी हैं, वो अपर तबके के हैं, और 500 IAS अधिकारी, 500 अधिकारी OBC के हैं, 50 IAS अधिकारी SC ST के हैं। ये कौन सी संवैधानिक जो समानता है वो दर्शाना चाह रहे हैं? दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा न्यायिक प्रक्रिया के अंदर, जिसमें 330 न्यायाधीश है, वो एक विशेष वर्ग के हैं, जो कि 4 IAS केवल SC ST के हैं, 00 OBC के हैं, वो कौन सा समानता का अधिकार है दर्शाता है ये? दूसरा, हाईकोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश बैठे हैं, वो 23 जज हैं, वो 23 के 23 एक विशेष वर्ग जो अपर वर्ग मानते हैं, जहाँ पर सबकी भागीदारी होनी चाहिए, SC ST OBC सभी को न्यायिक। जब ये
समानता का अधिकार नहीं देना चाह रहे हैं, उसके विपरीत विरुद्ध ये हमारा सभी समाज खड़े होकर इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। वो 44 दिन और आगे भी हमारे को जो भी कार्य करना पड़ेगा, चाहे सड़कों के ऊपर करना पड़े, चाहे आखिरी इकाई में, ये आखिरी इकाई की जमीनी क्रांति की लड़ाई है यार, ये जारी रहेगी। ये ओबीसी SC ST और जो गरीब तथा दलित वर्ग है उसके साथ में ये संघर्ष किया जाएगा।